मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की लड़ाई की आंच सरकार तक जाती दिख रही है कि गुटों में बटी कांग्रेस के नेता अपने अपने आकाओं को एक कुर्सी दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही मैदान में उतरे तो कमलनाथ के मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर सवाल दाग दिए। अब दो विधायकों ने कहा है कि इतनी भ्रष्ट तो भाजपा सरकार भी नहीं थी। एक विधायक ने भाजपा में जाने की धमकी दी है। गोहद से कांग्रेस विधायक रणवीर जाटव और अम्बाह से विधायक कमलेश जाटव ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट पर घूसखोरी का आरोप लगाया है कि बिना लेन देन कोई काम नहीं करते, खुद पैसा नहीं लेते लेकिन बेटे को आगे कर देते हैं। कमलेश जाटव ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो भाजपा में भी जा सकता हूँ। रणवीर ने कहा कि नर्स तक के तबादले के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ऐसा तो भाजपा सरकार के समय भी नहीं होता था। सिलावट ने तो सिस्टम ही बदल दिया है। जिन लोगों ने कांग्रेस और हमारा चेहरा देखकर वोट दिया था उनमें से कोई दोबारा वोट नहीं देगा। कांग्रेस में रहकर हम चुनाव नहीं जीत सकते, यदि हमने अपने क्षेत्र से काम नहीं किया तो दुर्गति हो जाएगी। अम्बाह विधायक कमलेश जाटव ने कहा कि ये पार्टी का नहीं निजी मामला है, यदि कांग्रेस नेता ही बिचौलिए बन जाएं तो कैसे काम होगा। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है सिलावट पैसा बनाने में लगे हैं। मैंने एक गरीब कर्मचारी की मदद को कहा तो सिलावट ने कहा कि मैं उसका भाई हूँ, काम ज़रूर होगा। इस सिलसिले में जब बेटे नितेश सिलावट से बात की तो उन्होंने सीधे सीधे पैसा मांग लिया। कमलेश ने कहा कि 35 साल बाद मैंने अपने दम पर कांग्रेस को जिताया है, यदि अभी हम लोगों के काम नहीं करवा पाए तो हमारा क्या मतलब रह जाएगा। मेरे ड्राइवर को कुछ काम था, सिलावट के बेटे ने उससे 50,000 रुपये मांगे। कमलेश और रणवीर जाटव सिंधिया खेमे के हैं, सिलावट भी वहीं से आते हैं। इससे पहले वन मंत्री उमंग सिंघार ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह की शिकायत की थी कि वे कमलनाथ सरकार को कमज़ोर कह रहे हैं, खुद को प्रदेश में सत्ता का केंद्र बनाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह को उन्होंने ब्लैकमेलर बताते हुए शराब और रेत के धंधे में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तुलसी सिलावट पर आरोप लगाने वाले विधायक कमलेश गौर ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि मैंने मीडिया के सामने मंत्री जी द्वारा हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं से जुड़े कार्य नहीं किए जाने की बात कही थी, काम नहीं होने से जनता नाराज थी, मैंने पैसों के लेन देन की बात नहीं कही थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.